ਮੋਟੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਪਾਣੀ ਆ ਪਾਵਾਂ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਰਾ ਤੂੰ ਮੋਟੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਮ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਮੇਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਵੋ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਸੁੰਦਰ ਲਗੂ ਇਸ ਲਈ ਅਰੇ ਪਗਲੀ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੀ ਲਈ ਪੀ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਸੁੰਦਰ ਲਗੇ सुनो जी हाँ जी बोलो क्या बात है एक बात पूछूं हाँ हाँ पूछो क्या पूछना है पतियों को बीबी सबसे अच्छी कब लगती है जब दूसरे की हो सुनो जी हाँ जी बोलो क्या बात है ये बताओ शादी के बाद लड़कियां मोटी क्यों हो जाती हैं अब यार शादी से पहले लड़कियां सिर्फ खाना खाती हैं और जब शादी हो जाती है तो पति का खून भी तो पीती हैं सारी चुड़ैल बन जाती हैं कमीनी मैं क्या आई हूँ आप एक बार भी कॉल नहीं करते हाँ काम बहुत रहता है ना इधर नल्ला कहेगा अच्छा ये सब छोड़ो मुझे बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है ऐसा कर कोई हॉरर फिल्म लगा ले ऐसा लगेगा चारों तरफ तेरी बहनें आसपास हैं क्या मतलब चुड़ैल ले हेलो हाँ जी मेरा पेकी आके तो डिबिना जी नहीं लगता ले पागल स्टार प्लस या सोनी लाला वो भी चंगे चैनल आ तानू पता रब हर एक दे घर जाके प्यार नहीं से दे सकता इसे लिए उन्हें मां बनाई ऐदा ही रब हर घर विच जाके सजा नहीं दे सकता इसे करके ने घर वाली बनाई यार मेरा बहुत वेट बढ़ रहा है यार सिंपल एक्सरसाइज है सिर्फ अपने गर्दन को लेफ्ट राइट करना है ये तो बहुत सिंपल है पर इसे करना कभी है बस जब भी कोई खाने के लिए पूछे सुनो जी एक बात पूछो पति अच्छे होते हैं या बीबियां अबे पति पत्नियों से ना लाख गुना महान होते हैं अच्छा वो कैसे अबे यार देख कोई भी बीवी जो है ना अपने पति की बहन को प्यार से नहीं देखती लेकिन सारा पतियों को देखो अपनी बीवी की बहन को बड़े प्यार से देखते हैं भाई हमेशा प्यार से देखते हैं वाकई भाई पुरुष बहुत महान होते हैं साले अपनी महानता का भाई ढिंढोरा नहीं पीटते वो लोग जब भी मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरे जीवन की यही एक इन्वेस्टमेंट है कि जो देखते ही देखते डबल हो गई ऐसे क्या देख रहे हो मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो कल रात को एक पार्टी में गया तभी डीजे में गाना बजा जिसको डांस नहीं करना वो जाकर अपनी भैंस चराए ज्यादातर पति अपनी पत्नी को खाना खिलाने चले गए ये तो सुना था कि शादी के बाद बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है पर इतना एडजस्टमेंट करना पड़ता है ये नहीं सुना था चल तैयार हो जा हुन चलिए तैयार तो मैं हो जानी है मेरी गल सुनो उधर पापा दे घर जाके ना मेरे ना लड़ाई नहीं करनी किसी सामने मेरे प्यो दा घर कुरुक्षेत्र जिथे रोज महाभारत कर दी है बोलो चल चलिए को हुन रोस के खलोती रहना ही मेनू नु आ रोज रोज दे झगड़े पसंद नहीं हैगे हां आपा ना दोवे जाने बैठ के थोड़ा थोड़ा समझौता कर लेने हैं चल दस की करना है फिर तुसी मेरे को माफी मांग लो मैं तानू माफ कर दांगी हेलो तुसी घर नहीं आए अजे तक ओ यार इस गल नु छड्डो ए दसो की पकाया अज मैं की पकाया अज मैं जहर पकाया अज बस ठीक है फिर खा के सो जाना मैं अज लेट ही आवांगा उठो मुझे चाय पीनी है चाय बनाओ चाय बनाओ जल्दी कंटाल गया हूँ तुझसे आज तो मैं तुझसे डाइवोर्स लेके रहूंगा जा रहा हूँ वकील के पास क्यों क्या हुआ वापस क्यों आ गए वकील खुद अपने घर पे बटन धो रहा था
तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। जैनी, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है? मैं आपकी जिंदगी में आया तो आपकी जिंदगी कंप्लीट हो गई। वाह वाह, अच्छा जी। और आप मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी फिनिश हो गई। अपन किधर जा रहे जानू? लॉन्ग ड्राइव पे। वाओ, पहले काहे को नहीं बोले मेरे को? मेरे को खुद अब मालूम पड़ा। वो कैसे? ब्रेक ही नहीं लग रहा इसका। क्या अरे अब क्या हाल है? अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। नहीं जानू, आपके बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे बिल कौन पे करेगा? चलो। दुनिया में दो टाइप के हस्बैंड होते हैं। पहले जो हर जगह घुमाने लेके जाते हैं, मूवी दिखाते हैं, शाम को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं और बिना बोले गिफ्ट्स देते हैं, और दूसरे जो सबके पास हैं। गर्ल समझ गई होंगी। बीबी हो, बीबी की तरह रहो, बाहर निकल, आज तो हम टंगी तोड़ कर रखते हैं, निकल बाहर। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, मच्छर था, आपका खून चूस रहा था, और मेरे होते हुए कोई और आपका खून चूसे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए कि आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ के साथ बिताएंगे, एंड ऑप्शन बी 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 आई चूज बी बी हां बी। इस हफ्ते ना हम रोज शॉपिंग करेंगे। हाँ। और इसके अगले हफ्ते ना हम रोज मूवी देखेंगे। हाँ। और उसके अगले हफ्ते ना हम रोज मंदिर जाएंगे। वो क्यों? भीख मांगने। भगवान के नाम पे 10 रुपया दे दो सुंदरी, कल से कुछ नहीं खाया है। अरे आपने उसे 50 रुपए क्यों दिए? बेचारा सच में अंधा था, तुम्हें सुंदरी बोल रहा था। जानू मेनू 10 हजार तुसी देसी पीने हो तो मेनू पारो कहने हो। हाँ बिल्कुल। जो तो तुसी बियर पीने हो तो मेनू डार्लिंग कहने हो। हाँ फिर की होया? फिर अज पूतनी कदो के आज मैं स्प्राइट पीता सी, सीधी बात, नो बकवास। सुनो अजी, सुनो ना। हाँ बोलो ना। अरे तुम सलीम की बीवी के जनाजे में नहीं गए? अरे मैं किस मुंह से जाऊं, किस मुंह से जाऊं मैं? क्या मतलब? वो ना अपनी तीसरी बीवी के जनाजे बुला रहा है और मैंने एक बार भी नहीं बुलाया। अच्छा, क्या मतलब? कॉन्ग्रेचुलेशंस चेतन जी, आप पापा बन गए। मेरी वाइफ को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। सुनो बाबू। हाँ जी। अमीन ऊपर डब्बा ला दो यार, मेरा हाथ छोटा पै रहा। जबान ट्राई कर ला, वो तो तेरी लंबी है। ₹15 लाख, ₹20 लाख, ₹40 लाख। अरे चाचा, इस खटारा में ऐसा क्या है? बेटा गाड़ी के 23 बार एक्सीडेंट हो गए, हर बार बीवी मरती है। इसकी माँ का 1 करोड़। नानी चलो गेम खेलते हैं। कौन सी गेम? आंख मचोली खेलते हैं। उसका फायदा? अगर आपने मुझे ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग करने जाएंगे, और अगर ना ढूंढ सका तो? ऐसे तो मत कहना, मैं दरवाजे के पीछे ही तो छुपने लगी हूँ। मैं कह नहीं है, डाइया मारना है, इतने क्यों नौकरी करना है? किसी सर्कस च लग जाए। वो सर्कस वाले कहते ने कि अपना बंदर लेके आ ते जाया करो। सुनो जी, आज मेरा नॉन वेज खाने का मन कर रहा है। अरे कोई बात नहीं डार्लिंग, अभी बाजार से तेरे लिए मछली लेकर आता हूँ। मछली में तो कांटे होते हैं। अबे तो चप्पल पहन के खा लियो। भाई ससुराल में दामाद कितनी इज्जत क्यों होती है?
क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये वो आदमी है जिसने घर के सबसे बड़े तूफान को संभाल रखा है। सुनो, बोलो, थानू मेरी ब्यूटी पसंद है या मेरे संस्कार? हंस दे क्यों? मनु तो तेरी आ मजाक करने की आदत बहुत पसंद है। यार अज ना क्लब च दारू पीने का कंपटीशन सीगा। अच्छा फिर दूजे नंबर ते कौन आया? ए मैनु एक गल दस, अंदर जेड़ी लैटरीन है उंदे विच की ओ गोल जा जेड़ा पत्थर ते बणया है ओदे च भी ओही करीदा जो बाहर करीदा है? ते मैनु पहले दसो आ मैं उंदे च मुंह धो बैठा। पत्नी खाना खाते हुए पति से, अजी जरा रसोई से नमक का डिब्बा तो ले आना। पति देव रसोई में काफी देर ढूंढने के बाद आवाज लगाते हैं, इले यहाँ तो नमक है ही नहीं। पत्नी बोली, हमें तो पता है थी, एक नंबर के काम चोर हो, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। सारा दिन गप्पे हाँकते रहोगे, मोबाइल के अलावा कछु आता है तुम्हें? देख लियो एक दिन जब तुम्हारी फेसबुक है ना, हम तलाक करवाई थी आपस में, दोस्तों के साथ आवारा गर्दी, सारा दिन पड़ोसन पर नजर रखते हो, यही सब करते हो ना? हमको पता आती तुम्हें नहीं मिली नमक, इसलिए पहले से ले आए हैं। आए जाओ और चुप्पा खाए लो खाना। सुनते हो जी? हाँ। शर्मा जी ने पैसे दे दिए क्या? नहीं, दे देंगे। आप तो बिल्कुल भोले हो, आपको तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। हेलो हेलो दामाद जी। हाँ बोलिए। कल आपके साले के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ। हो सके तो आप भी चलिए ना। नहीं, आप ही लोग देखाओ, मेरा तो खुद का डिसीजन गलत हुआ पड़ा है। हमको बताइए, सूरज और पत्नी में क्या समानता है? क्या दोनों को आप घूर नहीं सकते हैं? ऐसा मत देखिए सिद्धू जी, हमको प्यार हो जाएगा। हम ब्याहता हैं, हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। जी मैं थोनू एक सवाल पूछा। पुछ। तुसी मैनू किन्ने प्यार करदे हो? मैं तेरे वास्ते आसमान तो सूरज तोड़ के तेरे कदमां च रख सकदा। मैं नहीं जी, मैं नहीं जी, मैं नहीं जी। क्यों? सूरज तां तत्त तत्त तैयार हो जा।